शरद पूर्णिमा पर साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने पर गुना के उदासी आश्रम धाम मंदिर के पुजारी गणेश शर्मा ने बताया, चंद्रग्रहण साल का आखिरी ग्रहण है जिसका सूतक काल 2:52 से प्रारंभ होगा। ग्रहण रात्रि 1:05 से आरंभ होगा। 2:24 तक ग्रहण रहेगा। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। चंद्र ग्रहण मेष तुला राशि के ऊपर पड़ेगा, इसके घातक प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इन राशि वाले व्यक्तियों को सावधानी बरतना होगी। और सुने क्या बोले पुजारी। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा जय श्री राम। आज दिनांक शनिवार को चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा। रात्रि में 1:05 से इस पर सूर्य प्रारंभ होगा। इसके अलावा 2:28 पर मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद ग्रह शुद्धि 4 ब्रह्ममुहूर्त में आप लोग कर सकते हैं। और विशेष करके मेष राशि पर यह ग्रहण है, इसलिए थोड़ा घातक प्रभाव मेष राशि और तुला राशि होगा। साथ में ही मध्यम फल सिंह, वृश्चिक, मिथुन और कर्क राशियों के फल प्राप्त होंगे। आप सभी से नम्र निवेदन है कि गर्भिणी स्त्रियां बाहर इसके दर्शन ना करें। साथ में ही जो ग्रहण का जब मोक्ष काल होगा उस समय आप यदि दान करते हैं आपके लिए विशेष रूप से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। साथ में भगवान शिव की आराधना करने से अरिष्ट दोष की शांति होगी। और वृश्चिक राशि वालों को विशेष यह लाभकारी है। साथ में सिंह राशि वालों को यह उन्नति और सम्मान को देने वाला है। इस प्रकार से आज दिनांक शनिवार को यह जो है चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, बहुत ही शुभ योग है। यह सभी राशियों के लिए साधारणता विशेष और शुभ फलदायी है। भगवान शिव की उपासना करने वालों के लिए आज का दिन विशेष शुभ है। जय श्री राम। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।